सो यार फाइनली वांडा विजन का ट्रेलर आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स ओके। और कंफर्मेशन भी आ गई कि ये सीरीज दिसंबर 2020 में रिलीज होगी, बट एग्जैक्ट डेट रिलीज नहीं की गई। जब आएगी तो मैं बता दूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। इस ट्रेलर से कुछ ऑसम डिटेल निकल कर आई है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही 50s के टीवी शो का एस्पेक्ट रेशियो दिखाया जाता है। तो पहले ही सीन में हमें ये गाड़ी दिखती है और क्लियरली मेंशन है जस्ट मैरिड। तो ये जस्ट मैरिड वांडा विजन ही है। सो क्वेश्चन ये आता है कि विजन को थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में ही मार दिया था, तो वो फिर से वापस कैसे? तो यहाँ पे आप अजम्पशन ही लगा सकते हो। तो पहला अजम्पशन ये है कि ये सब वांडा कर रही है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि उसने रियलिटी को कैसे चेंज किया, सो उसी तरह उसने विजन को क्रिएट किया होगा। और सेकंड एजम्पशन ये है कि इन्फिनिटी वॉर में सूरी ने किसी तरह विजन को ठीक कर दिया हो। बट सेकंड एजम्पशन मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर सेकंड सीन में हम वांडा विजन को नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखते हैं। और यहाँ से विजन के हाथ में न्यूज़पेपर पर नजर डाले तो इस पे क्लियरली मेंशन है वेस्ट व्यू हेराल्ड, और वहां से ये रिवील हो जाता है कि ये लोग वेस्ट व्यू सिटी में हैं। सो नेक्स्ट शॉट में ये कैरेक्टर दिखती है जिसका रोल कैथरीन हान कर रही हैं। देखने में ये लग रहा है कि ये इनकी नेबर होंगी, बट आगे ट्रेल में जाके कुछ और भी रिवील होता है। नेक्स्ट शॉट में वांडा एक इशारे में वाइन को ग्लास में डाल रही है। वाइन कंपनी रिलेट करती है एमसीयू की कॉमिक्स से। उस स्टोरी लाइन में वांडा ने विजन को तो नहीं बट अपने दो बच्चों को खोया था, तो उसमें भी उसने अपनी पावर को यूज करके रियलिटी को चेंज कर दिया था ताकि उसके बच्चे दोबारा मिल जाए। और नेक्स्ट शॉट में हम वांडा विजन को अपने दूसरे नेबर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और अचानक से वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं होता। विजन के एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और ये भी पता चलता है विजन को जिंदा नहीं किया गया बल्कि वांडा ने उसे रियलिटी के थ्रू क्रिएट किया है। और इन्हीं सब क्वेश्चनों से बचने के लिए वांडा बार बार रियलिटी को चेंज कर रही है। नेक्स्ट शॉट में आप उन्हें दो बच्चों के साथ देख सकते हो, और कॉमिक में भी वांडा के ट्विंस थे, और कॉमिक में भी वांडा ने इन्हें अपने मैजिक से क्रिएट किया था। और उसी शॉट में हम कैथरीन हान के कैरेक्टर को दोबारा देखते हैं जिसे हमने पीछे भी देखा था। कॉमिक में देखे तो ये अगाथा हार्टनेस का कैरेक्टर है। बेसिकली कॉमिक में ये कैरेक्टर एक विच थी और वांडा की मेंटर भी, सो हो सकता है ये कॉमिक से सिमिलर हो। और नेक्स्ट शॉट में ये विजन को कहती है कि तुम तो मर चुके हो। इससे आप ये गेस कर सकते हो कि इसे भी अल्टरनेट रियलिटी के बारे में पता है। और नेक्स्ट शॉट में हेलोवीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे वांडा विजन ने कॉमिक जैसा गेटअप लिया है। और इस शॉट में वांडा को रियलिटी चेंज करते हुए भी देख सकते हो। लास्ट में हम देखते हैं जैसे कोई वांडा के रियलिटी से रियल वर्ल्ड में आ गया हो, और ये कैरेक्टर मोनिका रैम्बियो है जिसे आप कैप्टन मार्वल की मूवी में देख चुके हैं। और आगे चल के ये एक फोटोन नाम की सुपर हीरो बनती है, और वहीं जहां मोनिका निकली वहीं पर मिलिट्री ने घेर रखा है। आई थिंक कि वांडा के रियलिटी को बाहर के लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मिलिट्री के लोग खड़े हैं ताकि वांडा पूरे वर्ल्ड को अपने रियलिटी के अंदर न ले ले। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम इंडिया में इसे कहाँ पर देख पाएंगे? सो ये हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। सो आई गेस VIP पर आने में बहुत टाइम लग जाए, बट कोई नहीं, हम टेलीग्राम पे देख लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।